हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मुकुल। और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 है 10th का फिजिक्स का, और इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कोलम्ब चार्ज। तो एज वी नो दैट दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो इसको आपने पढ़ा होगा कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम्ब होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है ये तो। और उसके बाद अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। वी नो दैट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम्ब बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट। इसके बाद अब एक कोलम्ब में कितना होगा, यूनिटरी मेथड यूज करके ये ऐसे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आगे अब इसको 10 टू द पावर माइनस 19 को एक्सपोनेंट के रूल से हम ऊपर भेजेंगे। 10 टू द पावर 19 बटा 1.6, इसके बाद 10 इंटू 10 टू द पावर 18 बाई 1.6 लिखेंगे। पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, और इससे ये कट जाएगा 6.25 बार में। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट वन कोलम्ब ऑफ चार्ज। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन यही था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कोलम्ब चार्ज। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम्ब। उसके बाद यूनिटरी मेथड का यूज करके आंसर आ गया हमारा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स।